नमस्कार दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के इस मॉड्यूल में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे विजयनगर साम्राज्य के पहले राजवंश संगम के बारे में। इस लेक्चर की शुरुआत करूं उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के नए नए लेक्चर्स हम लेकर आते रहते हैं जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखिए, ये विजयनगर साम्राज्य का हमारा दूसरा लेक्चर होगा। तो अभी तक अगर आपने विजयनगर साम्राज्य के पहले लेक्चर को नहीं देखा है तो आप इस चैनल पर जा करके सबसे पहले उसे देख लीजिए, क्योंकि अगर आप एक क्रम से चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको ठीक प्रकार से चीज़ें समझ में आएंगे। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि इस लेक्चर के पहले पार्ट को ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ मैं 2 मिनट लेकर के एक बार से रिवाइज करना चाहूँगा जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो हमने देखा था कि केवल होयसल्स को छोड़ करके 14वीं शताब्दी के शुरुआती चरण में मोहम्मद बिन तुगलक का संपूर्ण दक्षिण भारत पर अधिकार हो गया था, लेकिन एक तरफ उसका अधिकार हुआ और दूसरी तरफ उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गए और नए नए स्टेट्स उभर करके आने लगे। तो वरांगल में कायप नायकों ने जो है अपना स्टेट बनाया, उसके अलावा विजयनगर, उसके बाद बहमनी, एकदम सुदूर दक्षिण में पांड्यों के क्षेत्र पर जो है मदुरे सल्तनत, इस तरीके से हमने देखा था। उसके बाद हमने सबके लोकेशन को समझा था कि कौन कहाँ है, ठीक है, पिछले लेक्चर में ये हमने समझ लिया था। उसके बाद हमने विजयनगर साम्राज्य के शासकों को देख लिया था, कुल 4 वंश में कौन कौन, किसने किसने शासन किया। उसके अलावा विजयनगर साम्राज्य में विभिन्न समय पर जो विदेशी यात्री आए उनके बारे में जो है हमने पढ़ा। तो अब जो है इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे संगम वंश के शासकों के बारे में, इन्होंने क्या महत्वपूर्ण कार्य किया और इनके समय कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं परीक्षा के दृष्टिकोण से हुई, उन्हें हम एक क्रम से देखेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बड़े विस्तार से बात किया कि हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली, तो पहले शासक बने हरिहर, और इनकी सबसे पहली राजधानी जो थी वो अनेगोडी थी, और फिर विजयनगर इनकी दूसरी जो है राजधानी बनी, और तालीकोटा के युद्ध से पहले तक विजयनगर ही जो है राजधानी रही कर्नाटका एम्पायर की। इसे कर्नाटका एम्पायर भी कहते हैं, विजयनगर एम्पायर को, ठीक है। तो हरिहर प्रथम चूंकि संस्थापक थे तो किसी भी राजवंश के संस्थापक का जो काल होता है, उसका जो जीवन होता है, वो बहुत सी चुनौतियों वाला होता है। एक तो जो है प्रशासन का सबसे बड़ा मुद्दा होता है, जनता में आत्मविश्वास जो है उस शासन के प्रति पैदा करना, ये सब बड़ी चुनौतियां होती हैं, ठीक है। तो ये काल कौन सा रहा हरिहर का? साम्राज्य निर्माण का काल रहा। उसके बाद जो साम्राज्य बना वो अस्थाई रहे, उसे ठीक प्रकार से प्रशासित किया जाए, इसका काल रहा, और साथ ही साथ साम्राज्य को बड़ा करने का काम, उसको विस्तारित करने का काम जो है हरिहर प्रथम के समय में हुआ। 1347 एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहा जो है विजयनगर साम्राज्य के लिए, और वो ये रहा कि 1346 में मदुरे सल्तनत और होयसल राजा बल्लाल चतुर्थ के बीच जो है युद्ध हुआ, जिसमें कि बल्लाल चतुर्थ की हत्या जो है मदुरा के सुल्तान ने कर दी। और ये जैसे ही ये हुआ 1347 में विजयनगर साम्राज्य ने मौका देखा और होयसल्स का जितना क्षेत्र था वो विजयनगर साम्राज्य ने अपने में मिला लिया, तो एक बहुत जो है बड़ी टेरिटरी
1347 में विजयनगर में आकर के जुट गई। और इसके अलावा 1347 में एक घटनाक्रम और हुआ, और ये घटनाक्रम निश्चित रूप से विजयनगर को तकलीफ देने वाला था, और वो ये था कि 1347 में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने विजयनगर साम्राज्य के ठीक सर पर बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर दी। तो 1347 तक क्या स्थिति हो गई, विजयनगर के ठीक सर पर बहमनी साम्राज्य, एक मुस्लिम साम्राज्य, और विजयनगर के ठीक नीचे यानी सुदूर दक्षिण में एक मुस्लिम साम्राज्य जिसका नाम था मदुरे सल्तनत। तो ये दो जगह से जो है बीच में फंसे। ठीक, 1392 में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह हुआ कि मदुरा के सुल्तान को जो है हराया गया, ठीक है, हरिहर के द्वारा। और इन्हीं के काल से, हरिहर के काल से ही विजयनगर बनाम बहमनी के चिरस्थायी संघर्ष का, जब तक दोनों का अस्तित्व रहा तब तक जो है संघर्ष होता रहा, बराबर संघर्ष होता रहा। हर शासक के काल में जो है दो युद्ध एक युद्ध होते ही रहे। तो इसीलिए मैंने लिखा कि विजयनगर बनाम बहमनी के चिरस्थायी, ठीक है, संघर्ष का प्रारंभ हुआ। अब यहीं पर जो है एक मैप देख करके हम चीजों को जो है निर्धारित करना चाहेंगे। देखिए, इन लोगों के बीच जो है जो लगातार युद्ध होता था विजयनगर और बहमनी के बीच, उसका मुख्य कारण जो है वो बताया जाता है रायचूर दुआब को। ठीक है, तो उसकी लोकेशन हम समझ लें कि रायचूर दुआब कहाँ था, ठीक है, ताकि हम जब भी बात करें तो आपको जो है समझ में चीजें आए। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो आप मैप देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो है विजयनगर का इलाका है और ऊपर जो है बहमनी का इलाका है। ठीक है, इसमें यहां पर आप देखें तो ये जो है तुंग भद्रा नदी है। ठीक है, ये तुंग भद्रा नदी है और ये कृष्णा नदी है, ये कृष्णा नदी है। ठीक है, ये कृष्णा नदी है और इनके बीचों बीच ये जो एरिया है, ये जो इलाका है, ठीक है, ये जो इलाका है ये पूरा, यही रायचूर का दोआब कहा जाता था। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो दोआब था रायचूर दोआब, तो इसी को लेकर के बराबर जो है झगड़ा होता रहा। हालांकि हम आगे जब जाएंगे, जब हम बहमनी को भी पढ़ लेंगे और हम तालीकोटा पर आएंगे, तो हम इस प्रश्न का भी जवाब तलाशने का प्रयास करेंगे कि क्या विजयनगर और बहमनी के बीच चिरस्थायी संघर्ष का मुख्य कारण रायचूर दोआब था या केवल रायचूर दोआब जो है एक युद्ध क्षेत्र बन रहा था, कारण कई थे, इस प्रश्न का भी उत्तर हम तलाशेंगे। तो अभी तो ये रायचूर दोआब वाला मामला समझ लीजिए, ये तुंगभद्रा नदी, ये कृष्णा नदी, ऊपर भीमा और ये बीच में रायचूर दोआब। ठीक है, अब हमने ये बात कर ली, तो अब हम फिर से आ जाते हैं, अब ये समझ में आ गया, अब आते हैं। ठीक है, तो विजयनगर बनाम बहमनी के चिरस्थायी संघर्ष का प्रारंभ हो गया बहमनी के बनते ही। अब जो है शासक बने बुक्का प्रथम, 1356 से 1377 तक इन्होंने विजयनगर साम्राज्य पे शासन किया। विजयनगर के दूसरे और संगम वंश के भी ये दूसरे शासक रहे। ठीक है, इनके दौरान विजयनगर और बहमनी के बीच फिर से जो है युद्ध हुआ और बाद में जाकर के एक संधि हुई, उसमें ये माना गया कि कृष्णा नदी तक इनके सीमा का विस्तार हो गया। यहीं पर जो है मैं आपको बताऊं कि मोहम्मद शाह प्रथम जो है बहमनी का सुल्तान बन चुका है। तो यहाँ 1347 में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ठीक है, और उसके बाद मोहम्मद, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, नहीं देख पा रहे हो तो मैं बता दूं, ये पॉइंट लिखा गया है मोहम्मद शाह प्रथम 1358-1375 बहमनी का सुल्तान बना। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने जो देखा था वरंगल का इलाका जहाँ कायप नायक शासन करते थे, उस पर जो है मोहम्मद शाह ने अटैक किया और उसे बुरी तरीके से वरंगल को हरा दिया, कायप नायक को हरा दिया। ठीक है, और कहा जाता है कि कायप नायक ने जो है उसे
बहुत धन दौलत जो है दिया, और गोलकुंडा का किला उसके बाद से ही बहमनी के पास जो है चला गया, पहले वो वरांगल के कायप नायक के पास था। साथ ही जो है एक सिंहासन भी भेंट किया गया जो है बहमनी के सुल्तान को वरांगल के द्वारा, जिसका नाम था तख्त ए फिरोजा। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हुआ कि इस युद्ध के बाद वरांगल और बहमनी के बीच एक संधि हुई कि अब जो है हम, बहमनी ने कहा कि अब हम जो है वरांगल को कभी परेशान नहीं करेंगे, कभी युद्ध नहीं करेंगे, हम लोग मित्र बन के रहेंगे। तो अब यहाँ क्या हुआ कि वरांगल और बहमनी का गठजोड़ प्रारंभ हो गया बुक्का प्रथम के समय, और कहीं ना कहीं ये दो शक्तियां मिल करके अगले 50 वर्ष तक जो है ये साथ रही, और जिससे कि बहमनी बनाम विजयनगर के युद्ध में ज्यादातर बार बहमनी जीत गया। ठीक है, तो उसमें जो है वरांगल और बहमनी गठजोड़ का ये दोनों लोग मिलकर लड़ रहे थे। ठीक है, तो ये एक मुद्दा था, आगे हम और भी बात करेंगे। ठीक है, अब यहां देखिए कि हमने यहां देखा था कि 1352 में मदुरा विजय किया गया हरिहर के समय में, इस बार क्या किया गया है? तो इस बार 1377 में मदुरा सल्तनत को बुरी तरह से हरा करके मदुरा सल्तनत को विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया गया फाइनली। ठीक है, मदुरा सल्तनत का अस्तित्व खत्म कर दिया गया, ये एक बड़ी घटना रही मदुरा सल्तनत को जो है विजयनगर साम्राज्य में मिलाने की, और ये काम किया था बुक्का प्रथम के पुत्र जो है कुमार कंपन ने, और ये इतना महत्वपूर्ण था कि उनकी पत्नी गंगा देवी, कंपन की पत्नी गंगा देवी ने जो है एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम था मदुरा विजयम, और मदुरा विजयम में पूरा जो है उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार से मदुरा को जीता गया। तो ये प्रश्न पूछता है, गंगा देवी ने लिखा मदुरा विजयम। ठीक है, तो मदुरा सल्तनत को विजयनगर में मिलाया गया, और इससे पहले हम देख रहे हैं कि कृष्णा नदी तक सीमा विस्तार हो गया था। तो अब जो है जो विजयनगर साम्राज्य था वो संपूर्ण दक्षिण भारत में स्थापित हो गया, यानी बुक्का प्रथम के काल में हो गया, और शायद यही कारण था कि बुक्का प्रथम को क्या कहा गया, तो इन्हें कहा गया पूर्वी, भारत के नक्शे में जो है पूरब देखिए, पूर्वी पश्चिमी और दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया। ठीक है, तो विजयनगर का मैप देखेंगे तो आप इस वाक्य को समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहां बात हो रही बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। ठीक है, तो महान योद्धा जिसे पूर्वी पश्चिमी और दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया, और इन्होंने जो है इनके समय में चीन में एक दूत मंडल भेजा गया था, यह भी एग्जाम में पूछता है। और जैसा कि हमने बात की कि मोहम्मद शाह प्रथम जो कि 1358-1375 तक बहमनी का शासक रहा, वो जो है बहमनी का सुल्तान बना। तो यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो हमने पॉइंट लिखा है इसमें जो है हम ये प्रयास कर रहे हैं कि बहमनी में कौन शासक बन रहा है ये भी हम लेकर के चलते रहे। विजयनगर को तो हम पढ़ रहे हैं लेकिन बहमनी के शासकों का भी हम यहां पर उल्लेख करते चलेंगे। हालांकि एक जो है कंपेरिजन का चार्ट हमने बहुत अच्छा बनाया है, ठीक है, वो हम अंत में लेंगे, और बहमनी को भी हम अलग से पढ़ेंगे तो डिटेल में बात करेंगे, जो महत्वपूर्ण शासक रहेंगे बहमनी के उनके बारे में हम कुछ बातें केवल इस लेक्चर में करेंगे, ताकि जो है आपको आइडिया रहे कि चीज़ें चल कैसे रही हैं। ठीक है, तो 1377 में हरिहर द्वितीय विजयनगर साम्राज्य के जो है शासक बने, और इनसे जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण बात है कि पहली बार विजयनगर साम्राज्य के किसी शासक ने खुद को राजा धीराज कहा था और राज परमेश्वर कहा था। ठीक है, तो इससे पहले चाहे वो हरिहर रहे हों या बुक्का रहे हों, इन लोगों ने इस तरह की कोई उपाधि धारण नहीं की, लेकिन इन्होंने जो है अपने को राजा धीराज और राज परमेश्वर कहा, उसकी उपाधि धारण की। ठीक है, इनके समय में क्या महत्वपूर्ण हुआ, तो मनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, कांची, और सबसे महत्वपूर्ण जो मामला रहा वो था जो है बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा को अधिग्रहित करना। ठीक है, तो गोवा को विजयनगर साम्राज्य में, अब सीमा समझिए विजयनगर साम्राज्य की, मिला लिया गया। ठीक है, ये
इनके शासनकाल की सबसे बड़ी सफलता रही। मोहम्मद शाह द्वितीय 1378 से 1397 तक जिसका शासनकाल रहा बहमनी में, वो सुल्तान बना इन्हीं के काल में। विजयनगर और बहमनी संघर्ष की निरंतरता इनके काल में बनी रही, चलती रही। और ताजुद्दीन फिरोज शाह बहमनी का सुल्तान बना इन्हीं के काल में, हरिहर द्वितीय के। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि ताजुद्दीन फिरोज शाह एक प्रकार से, जिस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य में कृष्ण देव राय रहे, उसी प्रकार से बहमनी में ये रहा। बहुत ही विद्वान इसे जो है माना गया, ताजुद्दीन फिरोज शाह को। फरिश्ता ये लिखता है कि ताजुद्दीन फिरोज शाह को फारसी, अरबी, तुर्की, कन्नड़, मराठी भाषाओं का ज्ञान था और उसके हरम में बहुत सारी पत्नियां थी उसकी, और वो भी विभिन्न देशों की थी। तो वो अपने किसी भी पत्नी से जब बात करता था तो वो अपनी पत्नी के भाषा में बात करता था, अगर उसकी पत्नी मराठी है तो वो मराठी में बात करता था। ठीक है, तो ये जो है ये शासक बना और इसने जो है हरिहर द्वितीय को जो है युद्ध में पराजित किया था। और उसके बाद इसका जो शासनकाल हम देखें तो देवराय प्रथम से शुरू होता है, तो उसी में और बात करेंगे। ठीक है, तो विजयनगर बनाम बहमनी संघर्ष में विजयनगर की हार। तो देवराय प्रथम जहां ही गद्दी पर बैठे वहीं पर जो है ताजुद्दीन फिरोज शाह ने अटैक कर दिया विजयनगर पर, और विजयनगर की इसमें जो है हार हो गई। ठीक है, और ये मतलब इतना जो है उस तरह का मामला था कि इनको जो है संधि के तहत देवराय प्रथम को अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह के साथ करना पड़ा। ठीक है, अब इस युद्ध के पीछे जो है क्या विषय था वो भी थोड़ा मैं बताना चाहूँगा। देखिए, रायचूर द्वाब में स्थित मुदकल के क्षेत्र में एक सोनार की बेटी का बहुत चर्चा था जिसका नाम था परथल। ठीक है, तो उसकी बहुत चर्चा थी, वो बहुत सुंदर थी, गायन कला में कुशल थी, ललित कलाओं का उसे ज्ञान था और लोगों को रिझाने की भी इस तरह की उसके पास कला थी। उस जमाने में ये सब कला जो है काफ़ी मायने रखती थी। तो देवराय प्रथम की इच्छा ये थी कि इससे जो है मेरा विवाह हो जाए। इन्होंने प्रस्ताव दिया, हालांकि उधर से जो है अनुमति नहीं मिली, तो इन्होंने जबरदस्ती करने की सोची और इन्होंने जो है युद्ध ये आगे बढ़े। और जब ये आगे बढ़े तो ताजुद्दीन फिरोज भी आगे बढ़ गया। ठीक है, तो इसको सोनार की बेटी का युद्ध कहते हैं जिसमें कि विजयनगर की हार हुई, यानी देवराय प्रथम की बुरी तरीके से हार हुई। ठीक है, तो वहाँ पत्नी लाने गए थे, वो तो नहीं हो पाया, लेकिन इनकी बेटी से जो है फिरोज शाह का विवाह हो गया। ये इस तरह का जो है दूसरा विवाह फिरोज शाह का था। उससे पहले खेरला के शासक की पुत्री से जो है फिरोज शाह बहमनी विवाह कर चुका था और फिर विजयनगर साम्राज्य की राजकुमारी से इसने विवाह किया। ठीक है, तो सोनार की बेटी का युद्ध जो था वो विजयनगर के लिए भयावह साबित हुआ, बुरी तरह से ये लोग जो है पराजित हुए। अब यहाँ पर जो है एक विषय ये भी पता चला कि विजयनगर की जो है कमजोर सैनिक शक्ति उजागर हो गई कि बहुत आसानी से जो है हरा दिया गया। हालांकि आपको मैं ये बताऊं कि अभी भी जो है वरांगल और बहमनी का गठजोड़ जो है चल रहा है, जो आगे जा करके टूट जाएगा इसी के समय, बहमनी और वरांगल गठजोड़ का अंत हो जाएगा। तो सोनार की बेटी के युद्ध की बात हमने की, अब इसके बाद क्या हुआ कि बहमनी और वरांगल गठजोड़ का अंत हो गया किसी प्रकार से, देवराय ने वरांगल को तोड़ लिया अपने तरफ। और अब क्या हुआ कि 1419 में देवराय प्रथम द्वारा फिरोज शाह बहमनी बुरी तरह पराजित किया गया। ठीक है, तो एक निर्णायक पराजय जैसी होती है उस प्रकार की पराजय जो है हुई फिरोज शाह बहमनी की। और कहा जाता है कि इसके बाद ही जो है अपने भाई के दबाव में इसे सत्ता छोड़नी पड़ी, किसे, फिरोज शाह बहमनी को। ठीक है,
उसके अलावा देवराय प्रथम ने एक महत्वपूर्ण कार्य जो कराया था वो ये कि तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर राजधानी में पानी के अभाव को इसने समाप्त किया था। उसके अलावा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, तेलुगु कवि श्रीनाथ को इन्होंने संरक्षण दिया था, और हर विलास जिसमें जो है भगवान शिव के विभिन्न जो है रूपों का वर्णन है उसकी जो है रचना कवि श्रीनाथ ने की थी, हर विलास, ये एग्जाम में जो है पूछा जाता है। और देवराय प्रथम के समय में ही इतावली यात्री निकोलो कोंटी का भारत में आगमन हुआ था, निकोलो कोंटी, ठीक है। तो देवराय प्रथम की बात हमने की, अब बात करेंगे देवराय द्वितीय की। तो इसे जो है संगम वंश का महानतम शासक माना जाता है, और जो है इसे ये माना जाता है कि ये जो है राजा इंद्र के अवतार थे, ठीक है। तो देवताओं के राजा इंद्र का अवतार माना जाता था किसे, देवराय द्वितीय को, ठीक है। इसके अलावा इनकी कई उपाधियां थी, गजबेटकर, इमाडी देवराय और प्रोढ़ देवराय। इनके शासनकाल में सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम 1422-1446 बहमनी का शासक बना। अब यहां पर देखिए देवराय द्वितीय के समय में जो है एक बड़ी मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में यह हुआ कि आखिर क्या विषय है कि बहमनी जो है जब भी युद्ध करता है उसका पलड़ा भारी रहता है, हालांकि वरांगल वाला वो विषय तो था ही। तो ये हुआ कि धनुधर सेना जो है बहमनी की और घुड़सवार सेना का जो है कमाल रहता है, इसलिए विजयनगर कहीं ना कहीं पिछड़ जाता है, ठीक है। तो ये जब डिसीजन निकला तो इन्होंने क्या किया देवराय द्वितीय ने कि बहमनी साम्राज्य की धनुधर सेना से मुकाबले हेतु बड़े पैमाने पर जागीर देकर, ध्यान दीजिएगा नगद वेतन की बात नहीं होती है, जब जागीर आप किसी को दे रहे हैं तो एक प्रकार से वो स्थायी निवासी हो जाता है, ठीक है। तो जागीर देकर मुसलमानों की भर्ती की गई, और इस समय विजयनगर बनाम बहमनी के बीच तीन भीषण युद्ध हुए, लेकिन दोनों साम्राज्यों की सीमा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए जो है महत्वपूर्ण नहीं रहा। उसके अलावा फारसी शासक शाहरुख का दूत अब्दुल रज्जाक का आगमन हुआ, किसके समय में, देवराय द्वितीय के समय में। तो पहले लेक्चर में ही हमने यात्रियों को देख लिया था, हम जिक्र करते जा रहे हैं कि किस समय क्या चीजें हुई, ठीक है। अब इसके बाद जो है मल्लिका अर्जुन 1446-1465 शासक बने, ठीक है। अब देखिए ये जो मल्लिका अर्जुन रहे ये अल्पायु थे, ठीक है, और इस समय जो है ये दोनों शक्तियों ने देखा, बहमनी ने, और एक शक्ति और थी, मैं आपको थोड़ा सा मैप पे दिखाना चाहूँगा ताकि आप जो है क्लियर रहें कि ये कहाँ से आ गए, ठीक है। ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं कलिंग वाला क्षेत्र, आज के उड़ीसा वाला क्षेत्र, इस पर जो है कपिलेंद्र गजपति ने गजपति साम्राज्य की नींव रखी थी। तो ये गजपतियों का इलाका है, ठीक है। कपिलेंद्र गजपति महान गजपति शासक रहे और वही संस्थापक भी रहे, और कपिलेंद्र गजपति जो है एक महान सेनानायक था, हालांकि मैंने यही बताया लेकिन इनका साम्राज्य बहुत बड़ा था, एक आपको आइडिया हो स्पेसिफिक इसलिए मैंने बताया, काफ़ी बड़ा था जो है, और गजपति एक मजबूत साम्राज्य बन करके उभरा था, और करीब करीब 100 वर्ष 1434 से लेकर के 1541 तक गजपतियों का अस्तित्व रहा। तो ये जो है इलाका गजपतियों का था, हालांकि ये बहुत नीचे तक भी आ गए थे और बहुत ऊपर तक भी चले गए थे विभिन्न समय में, ठीक है। तो अल्पायु शासक का लाभ उठा करके उड़ीसा के गजपति शासक और बहमनी का विजयनगर पर आक्रमण हुआ, तो दो तरफा आक्रमण जो है, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के वैभव विस्तार और सैन्य शक्ति का पतन प्रारंभ, तो मल्लिकार्जुन के समय में विजयनगर साम्राज्य के वैभव विस्तार और सैन्य शक्ति का पतन प्रारंभ हो गया, और मल्लिकार्जुन के समय चीनी यात्री महुआन 1451 में जो है आया, ठीक है। अब इसके बाद विरूपाक्ष द्वितीय 1465-1485
अंतिम शासक संगम वंश का रहा, ठीक है। इनके समय में आंतरिक विघटन, बाह्य आक्रमण और साम्राज्य का संकुचन जो है प्रारंभ हो गया। स्थिति गजपतियों की ये हो गई कि गजपति सुदूर दक्षिण में रामेश्वर तक जो है गजपति सेनाएं पहुंच गई, ठीक है, मल्लिकार्जुन के समय में ही। तो इनके समय में तो बड़ी स्थिति जो है रही, ठीक है। इनसे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि विरूपाक्ष द्वितीय के ही पुत्र ने विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या कर दी। और इसे क्या कहा गया, तो इसे कहा गया प्रथम बलापहार, ठीक है। आप में से कोई अगर कमेंट बॉक्स में जो है इस शब्द को डिफाइन करना चाहे तो आप लोग जरूर करिए जो है, ठीक है। तो इसे क्या कहा गया, प्रथम बलापहार कहा गया। और इसी के बाद जो है चंद्रगिरी के गवर्नर सालू नरसिंह का राज सिंहासन पर अधिकार हो गया और उसने जो है सालू वंश की नींव डाली। और ये जो सालू नरसिंह रहा, ये जो है विरूपाक्ष द्वितीय के समय में जो है काफी जो है अपने सैन्य कौशल का प्रदर्शन किया, क्योंकि गजपति सेनाओं से कहा जाता है कि इसने 24 युद्ध लड़े, ठीक है। तो किसी प्रकार से जो है साम्राज्य को सुरक्षित बना करके विरूपाक्ष द्वितीय के समय जो है सालू नरसिंह ने ही रखा था, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने इतनी बात की, अगले लेक्चर में जो है विजयनगर साम्राज्य के अन्य राजवंशों को हम देखेंगे। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। तो मिलता हूँ इसी टॉपिक के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।